क्रिकेट की इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले क्रिकेट की एक्सक्लूसिव खबरें। किंग्स इलेवन पंजाब की टीम ने मुंबई को मोहाली में खेले गए मुकाबले में हरा दिया। हालांकि इस मैच को मुंबई की टीम जीत जाती अगर कुणाल पांड्या अश्विन की ही तरह पूरी धोखेबाजी कर डालते। जी हाँ, यहाँ भी मांकड़िंग हुई, वैसा ही हंगामा भी हुआ, मगर इस बार जीत क्रिकेट की हुई और हार अश्विन की। तो आपको अंत में इसका पूरा वीडियो भी दिखाएंगे, आप कमेंट जरूर करें। तो ये पंजाब की पारी का 10वां ओवर था। कुणाल पांड्या गेंदबाजी कर रहे थे और सामने थे राहुल, नॉन स्ट्राइकर एंड पर थे मयंक अग्रवाल। ओवर की चौथी बॉल के लिए कुणाल ने जैसे ही रनअप लिया तो मयंक अग्रवाल क्रीज से काफी आगे चले गए और तब कुणाल ने बिल्कुल हूबहू अश्विन की तरह बॉल को रोक दिया और पीछे मुड़ गए और अपना हाथ स्टंप्स की ओर लेकर जाने लगे। सभी की सांसें थम गई क्योंकि एक ही आईपीएल में फिर से विवादित मांकड़िंग होने वाली थी और इस बार तो अश्विन की ही टीम के खिलाफ। लेकिन बड़े दिल वाले कुणाल पांड्या ने ऐसा कुछ नहीं किया। जी हां, कुणाल ने अपने हाथ पीछे कर लिए और स्टंप्स नहीं बिखेरे और उसके बाद मयंक अग्रवाल भी तेजी से क्रीज पर वापस आ गए। अब यहाँ पर कुणाल का इरादा सिर्फ मयंक को वार्निंग देना था, लेकिन अगर कुणाल पांड्या यहाँ पर अश्विन की ही तरह धोखेबाजी करते हुए मयंक को आउट कर देते तो आसानी से मुंबई की टीम जीत जाती, क्योंकि इसके बाद ही मयंक अग्रवाल ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर पंजाब को जीत दिलाई थी। ऐसे में यहाँ पर अश्विन का चेहरा भी देखने लायक था। अब आपको इसका पूरा वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें और हाँ, कुणाल के बड़े दिल वाले अवतार के लिए कमेंट करना ना भूलें। फिल्म मीडिया रिपोर्ट।